यहाँ पे मेरे पास Asus ZenBook S14 OLED लैपटॉप। और पता है इसकी खास बात यहाँ पर क्या है कि ऐसा क्लेम किया गया कि विंडोज लैपटॉप के अंदर इस लैपटॉप की जो बैटरी लाइफ है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, यानी कि अप टू 27 आवर्स आप इस लैपटॉप को चला सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे परफॉर्मेंस का भी ख्याल रखा गया, क्योंकि यहाँ पे इंटेल के जो नए ल्यूनर लेक प्रोसेसर है वो देखने को मिल रहे हैं। इंटेल अल्ट्रा कोर 7 सीरीज 2 प्रोसेसर है इसके अंदर, नए इंटेल के आर्क ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, कंप्लीट एक पैकेज आपको देखने को मिल रहा है, वो भी वेट है इसका 1.2 किलोग्राम, और जो मिनिमम जो उसकी थिकनेस होती है यहाँ पे वो होती है 1.1 सेंटीमीटर। है ना काफी कमाल की बात, यानी कि पतला हल्का लैपटॉप और हाई परफॉर्मेंस के साथ विद हाई बैटरी लाइफ के साथ। तो चलिए आज देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि Asus ZenBook S14 OLED लैपटॉप में आपको क्या क्या नई चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इंटेल कोर अल्ट्रा 7 258V प्रोसेसर के साथ आता है, जिसके अंदर आपको 8 कोर्स है, 4 परफॉर्मेंस कोर है, 4 एफिशिएंसी कोर्स है, 32GB की LPDDR5X रैम का सपोर्ट आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इंटेल आर्क 140V जो 8 कोर GPU है वो है यहाँ पे। इसी के साथ ही यहाँ पे आपको Asus Lumina OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है विद 3K रेजोल्यूशन के साथ, एंड यस इट इज अ टच इनेबल्ड डिस्प्ले। इसी के साथ ही डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ भी है, 1TB की PCIe बेस्ड SSD देखने को मिलती है, और इन सब को चलाने के लिए है 72 वॉट आवर्स की बैटरी, और ये जो पूरा पैकेज है जैसा कि मैंने बताया 1.2 किलोग्राम्स में है यहां पे। और इवन कनेक्टिविटी में थंडरबोल्ट पोर्ट भी है, Wi-Fi 7 भी आपको देखने को मिलता है, और स्पीकर्स के अंदर हार्मन गार्डन के स्पीकर्स है विथ डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ। एक एक करके पूरे लैपटॉप के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड की। Asus ZenBook S14 OLED लैपटॉप की खास बात है कि ये यहाँ पे नए सेरेलिनम मटेरियल के साथ आता है, जिसका मतलब ये कि ये बेसिकली एल्युमिनियम चैसी के साथ पूरा बना हुआ है। लेकिन अगर आप इसे पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिरेमिक फिनिश देखने को मिलेगी, जो लैपटॉप को देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लुक एंड फील देता है। इसके साथ ही जब आप इसे हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे टच करने में भी हल्का सा प्रीमियम फील आता है, पीछे का डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक और प्रीमियम लगता है। इसके साथ ही पीछे जो फिंगरप्रिंट स्मजेस होते हैं वो भी यहाँ पर नहीं आते, और ड्यूरेबिलिटी के अंदर भी बात करें तो ये एल्यूमिनियम चैसी के साथ पूरा लैपटॉप बना है और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, जिसका बेनिफिट यहाँ पर ये है कि यहाँ पे आप इसे काफी ज्यादा रफ कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वर्क में है, काम कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी कंडीशन में ले जाएंगे लैपटॉप यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से इसको झेल जाएगा। और इसी के साथ ही लैपटॉप के ऊपर आपको 2715 CNC मशीन कूलिंग वेंट्स देखने को मिलते हैं, जिससे यहाँ पे इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी उसे यहाँ पे बेटर किया जा सके। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। Asus ZenBook S14 आता है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 सीरीज 2 प्रोसेसर के साथ, 258V ये प्रोसेसर है, जहाँ पे आपको सिंगल कोर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, और ये जो नया इंटेल का ल्यूनर लेकर है यहाँ पे खास बात यहाँ पर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों का बैलेंस रखा है, यानी कि लैपटॉप के अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी, साथ ही साथ काफी अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी, जिस कारण से लैपटॉप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड हो जाता है। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको टोटल परफॉर्मेंस मिल रही तो बैटरी लाइफ में सैक्रिफाइस हो गया, या फिर बैटरी लाइफ अच्छी मिल रही तो परफॉर्मेंस में सैक्रिफाइस हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे मैच किया। इवन एक और खास बात है यहाँ पे इस प्रोसेसर के साथ कि यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड NPU देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको अप टू 47 टॉप्स देखने को मिलते हैं, यानी कि 47 टेरा ऑपरेशंस पर सेकंड की जो परफॉर्मेंस है वो काफी कमाल की है, जिसका बेनिफिट मैं आगे चल के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि AI रिलेटेड टास्क यहाँ पे कर सकते हैं, और इवन जो विंडोज को पायलट प्लस PC होगा उसका भी सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही ओवरऑल परफॉर्मेंस को यहाँ पर चेक करने के लिए बेंचमार्क्स को रन किया, यहाँ पे मैंने PC Mark 10 को यूज किया, जो कि एक ऑलराउंडर बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप मल्टीपल जो रियल लाइफ यूज के सिनेरियोज होते हैं ना उनको यहाँ पे मिमिक कर सकते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस यहाँ पे लैपटॉप की कैसी है। यहाँ पे जो स्कोर आया था वो आया था 6220, जो कि काफी एक डिसेंट स्कोर आपको देखने को मिलता है एक ऐसे लैपटॉप की तरफ से जो आपको थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में है। इस लैपटॉप के अंदर आप जो भी बेसिक टास्क होते हैं वो आप बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी से कर सकते हैं। इसके साथ ही इस लैपटॉप की एक और स्पेशलिटी वो है कि ये इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। इंटेल ईवो का मतलब होता है कि अगर आपको तुरंत लैपटॉप को स्लीप टू वेक करना है, जैसे कि इस समय जो लैपटॉप है वो टोटल स्लीप में है,
लेकिन जैसे ही अगर मैं इसका लिड ओपन करूंगा ये तुरंत वेकअप हो जाएगा। ये चीज आपको इंटेल ईवो के अंदर देखने को मिलती है। इसके साथ ही एक अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी और बैटरी लाइफ की अच्छी परफॉर्मेंस जिन लैपटॉप के साथ होती है यहाँ पे उन लैपटॉप्स को इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया जाता है। खैर यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में बात कर ली, लेकिन अब बात यहाँ पे करनी पड़ेगी इसके जीपीयू के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटेल आर्क 140V इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिलता है जो इंटेल के XE2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। हालांकि बात की जाए तो ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है, ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है और इसका यूज गेमिंग के लिए नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जीपीयू को टेस्ट करने के लिए इसके अंदर मैंने गेम्स वगैरह रन करे और सरप्राइजिंगली बेसिक कैजुअल गेमिंग के हिसाब से सही है। जैसे कि बात करें किसी को CS:GO खेलना है, वैलोरेंट खेलना है, वो खेल सकता है। GTA 5 रन किया, 60 से लेके 100 FPS आपको देखने को मिल रहा था नॉर्मल सेटिंग्स के अंदर, जो एक थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से इंप्रेसिव है। यूजुअली गेमिंग के लिए रेकमेंड मैं नहीं करता कि कोई भी थिन एंड लाइट लैपटॉप जाकर ले, उसके लिए प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप से। लेकिन अगर किसी को ये लैपटॉप लेके अगर किसी को सिर्फ कैजुअल गेमिंग करनी है तो हाँ वो चीजें कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। और अब बात करते हैं रैम और SSD में। Asus ZenBook S14 में आपको देखने को मिलती है 32GB की LPDDR5X 8533 MHz की रैम। बेसिकली जो रैम है यहाँ पे CPU के साथ सोल्डर्ड है ताकि जो एक्सेस होता है मेमोरी का वो फास्ट हो और आपको क्विक परफॉर्मेंस देखने को मिले। बेसिक मतलब ये है कि आप इससे अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो रैम यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट रैम है जो आपको किसी भी विंडोज पावर्ड लैपटॉप में देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही 1TB की PCI बेस्ड SSD है। Yes, ये SSD यूजर रिप्लेसेबल है, तो अगर आप इसे रिप्लेस करके 2TB पे करना चाहें तो वो पॉसिबल है। यहाँ तक कि मैंने PCI बेस्ड SSD को बेंचमार्किंग के थ्रू भी टेस्ट किया। यहाँ पे सिक्वेंशियल रीड स्पीड अराउंड 5000 MBPS आई थी और जो सिक्वेंशियल राइट स्पीड थी वो थी 3591 MBPS, जिसे यहाँ पर मैं एक इंप्रेसिव और एक अच्छी स्पीड यहाँ पे मान सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ रियल लाइफ टेस्टिंग के लिए। तो देखा तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल सॉफ्टवेयर को ट्राई किया ये देखने के लिए कि रियल लाइफ के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो यहाँ पे कैसे रहती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें Adobe Photoshop को यूज किया और वहां पे मैंने एडिट करी कुछ फोटोग्राफ्स, काफी सारी चीजें करी और देखा कि थर्मल्स वगैरह भी ठीक थे और परफॉर्मेंस में भी कोई डिप नहीं आता इवन ऑन बैटरी लाइफ। इवन यहाँ पर मैंने वीडियो भी ट्राई किया 1080p की थोड़ी लाइट वीडियो एडिटिंग देखी और देखा कि यार यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। तो यानी कि अगर जो बेसिक टास्क में अगर किसी को करने तो यहाँ पे जो लैपटॉप है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। और यहाँ तक कि अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन करनी है, क्रोम पे बहुत सारे टैब्स ओपन करने, कोई बड़ी रिसर्च कर रहे हो, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो या फिर काफी सारे दूसरे वर्क करने हैं, उसको भी बहुत ईजिली हैंडल कर लेगा। इवन स्प्रेडशीट्स ओपन करना, एक्सेल शीट्स के अंदर काम करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना या MS वर्ड के अंदर काम करना, इस टाइप के जो प्रोडक्टिविटी वाले जो टास्क होते हैं ना यहाँ पे लैपटॉप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है। और इससे देख के एक अच्छी बात लगती है कि थर्मल एफिशिएंसी भी यहाँ पे प्लस पावर एफिशिएंसी भी है और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिलीवर होता है। और अगर मैं यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा तो एक बात यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे थर्मल्स में अच्छा काम किया है। यहाँ पे सबसे पहले तो डुअल फैन डिजाइन दिया है यहाँ पे, इसी के साथ ही यहाँ पे आपको वेपर चेंबर की कूलिंग है, सामने की तरफ ज्योमेट्रिकल ग्रिल डिजाइन है और यहाँ पे जो कूलिंग मैकेनिज्म है काफी एफिशिएंट तरीके से काम करता है। और एक अच्छी बात है कि नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर यहाँ पे आपकी कोई भी फैन नॉइस नहीं आती है, लेकिन हाँ अगर जब आप इस पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालेंगे, कोई बेंचमार्क रन करेंगे, गेमिंग करेंगे तो हाँ इसके जो फैंस होते हैं वो यहाँ पे फुल स्पीड में यहाँ पे किक हो जाते हैं। इसके साथ ही बात करें थर्मल्स की तो हाँ टाइपिंग करते वक्त जो पाम होता है वहाँ पे किसी भी टाइप की हीटिंग वगैरह ऑब्जर्व नहीं हुई, जो कि एक काफी अच्छी चीज थी। और अगर नॉर्मल यूज केस में देखें तो हाँ इसे आप काफी एफिशिएंट तरीके से चला सकते हैं। इसके बाद अब फाइनली बात करने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर आपको प्रॉपर NPU देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको 47 टॉप्स की परफॉर्मेंस मिलती है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पे ये लैपटॉप काफी सारे AI enabled टास्क अपने अंदर ही यहाँ पे कर सकता है, जिसमें से वन ऑफ द कोर चीज है विंडोज Copilot प्लस PC। देखा जाए तो इस लैपटॉप के अंदर विंडोज 11 आता है, लेकिन Copilot प्लस रहेगा वो आपको आने वाले कुछ मंथ्स में देखने को मिलेगा एज एन अपडेट, जिसके अंदर काफी सारे टास्क जो AI enabled होते हैं वो आप लैपटॉप के अंदर ही कर पाएंगे, जिसके अंदर अगर आप कोई फाइल वगैरह ढूंढने उसे यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, या फिर विंडोज का को क्रिएट मेरे को काफी अच्छा फीचर लगा जहाँ पे आप पेंट में एक रफ इमेज बनाओ और वहां से इमेज जनरेट कर सकता है, वो भी सारी की सारी ऑन डिवाइस, ये एक अच्छी चीज है। इसके साथ ही अगर आप कोई मूवी देख रहे हो वहां पे आपको कैप्शन चाहिए तो लाइव कैप्शन जनरेट कर सकता है वो भी ऑन डिवाइस AI का यूज करके, तो एक काफी अच्छे एफिशिएंट तरीके इन्होंने यहाँ पर दिखाए थे।
जिसका यूज करके डिवाइस की एआई वाली फंक्शनलिटी को और यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स V2 आता है, जिसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड ब्लर अप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट लाइटिंग का इफेक्ट में यहाँ पे मेरे को काफी अच्छा लगा था। इसके साथ ही जो कैमरा ट्रैक करता है आपके फेस को, वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ तक कि आपको एक नया टेलीप्रॉम्प्टर मोड मिलता है, जिसका मतलब ये कि जो आपका आई कॉन्टेक्ट होगा वो आपका डायरेक्टली वेबकैम के अंदर होगा, और भले ही आपकी आंखें नीचे हो, स्क्रीन पे कुछ पड़ रही हो, लेकिन ऐसा लगेगा सामने वाले को कि आप यहाँ पे डायरेक्टली कैमरे को ही यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर डाला है जो एआई का यूज करके इस लैपटॉप के अंदर यहाँ पे काम करता है। इसके साथ ही यहाँ पे एसोस के खुद के बनाए हुए काफी सारे सॉफ्टवेयर भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि एसोस स्टोरी क्यूब के बारे में बात करें, ये बेसिकली फाइल मैनेजमेंट एआई टूल कह सकते हैं, जहाँ पे आपकी जितनी भी मीडियाज होते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ, इमेजेस, वीडियोस, ये सब हो गए, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो, और अगर आपको उन्हें एडिट वगैरह करना, कहीं अपलोड करना, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा ईजी हो जाता है अगर आप मल्टीपल ड्राइव में बहुत सारे डेटा अगर स्टोर करते हो तो। और इसी के साथ ही यहाँ पे आपको स्क्रीन एक्सपर्ट 3.0 का सपोर्ट मिलता है, जो कि मैं एसोस ऐप के थ्रू आप इसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टी विंडोज के अंदर टास्क करना वो ईजी हो सकता है, ऐप नेविगेशन करना, कैमरा माइक्रोफोन का स्विचर आपको देखने को मिलता है, और ऐसे काफी इंटरेस्टिंग फीचर मिलते हैं जो ऑन द गो कई बार आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प करते हैं। इसके साथ ही जो बिल्ट इन माय एसोस सॉफ्टवेयर है वो भी काफी सही है, जहाँ पे आप पूरे लैपटॉप की जो डिटेल्स वो यहाँ पे देख सकते हो, इसके साथ ही वहाँ पे उसको मेंटेन करना, अपडेट्स वगैरह वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, जो बिल्ट इन फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर है उनको भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और इसी के साथ ही बात करें एसोस ज़ेनबुक S14 के टच पैड के बारे में, तो हाँ यार, इसका जो टच पैड है लिटरली काफी बड़ा है। अगर हम साइज के बारे में बात करें तो 127x17.17 mm का है, और देखा जाए तो इसके अंदर आपको मल्टीपल जेस्चर का सपोर्ट मिलता है और काफी स्मूथ तरीके से काम करता है। इवन यहाँ पे आपको एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग और हाइड्रोफोबिक कोटिंग देखने को मिलती है, मतलब कि अगर आपके हाथ में हल्का सा पसीना वगैरह भी तो भी आप इसको बिना किसी दिक्कत के आप ऑपरेट कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे जो क्लिक डेप्थ होती है वो होती है 0.23 mm की, तो दबाने में सही है। और एक इंटरेस्टिंग फीचर मेरे को यहाँ पे लगा कि इसके अंदर आप साइड में जेस्चर का यूज करके वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रीन की ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज थी। और इसी के साथ बात करें कीबोर्ड के बारे में, तो यार कीबोर्ड इसका काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको की ट्रैवल 1.1 mm का देखने को मिलता है, पीछे की तरफ से बैकलिट है, टाइपिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काफी सही और काफी कंफर्टेबल तरीके से अगर किसको टाइपिंग करनी है तो वो यहाँ पे कर सकता है। और अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, ये है ASUS 3K Lumina OLED डिस्प्ले, यहाँ पे 100% DCI-P3 कलर गैमिट के साथ, और ASUS ने क्लेम किया कि यहाँ पे आपको 400 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी HDR कंटेंट में। HDR कंटेंट में इसकी पीक ब्राइटनेस जाएगी 500 निट्स तक, और यहाँ पे आपको पूरा डिस्प्ले टच इनेबल्ड देखने को मिलता है 16:10 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ है, 2880x1800 इसका पिक्सल रेजोल्यूशन है, यहाँ पे आपको 1,000,000:1 का कंट्रास्ट रेशियो है, और डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ आता है, यानी कि कंटेंट कंजम्पशन और कंटेंट क्रिएशन दोनों के लिए काफी सूटेबल डिस्प्ले यहाँ पे हो जाता है। इसी के साथ ही टच स्क्रीन है और कंपैटिबल स्टाइलस के साथ आप इसके टच स्क्रीन पैनल को यूज कर सकते हैं। बस एक चीज यहाँ पर कि आप इसे पूरा 180 डिग्री टिल्ट नहीं कर सकते, और अगर बात करें तो यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर है जो कि 70% कम ब्लू लाइट निकालेगा एज कम्पेयर टू रेगुलर LCD पैनल। TUV Rhineland सर्टिफाइड डिस्प्ले है, और इसके साथ ही ASUS OLED केयर को यहाँ पे डाला है, जिसका यूज करके जो स्क्रीन बर्निंग होती है ना उसके रिस्क को भी कम किया जा सके, जिसके अंदर आपका डार्क बैकग्राउंड होता है, या फिर जो लैपटॉप है अगर ये आइडल रहा 30 मिनट तक तो ये ऑटोमेटिकली अपने डायनेमिक स्क्रीन सेवर मोड के अंदर चले जाता है, जहां पे स्क्रीन बर्निंग के जो रिस्क होते हैं उसे पे मिनिमाइज किया जा सके। ऑडियो में बात करें तो 4 स्पीकर, 2 वूफर, 2 ट्वीटर्स, और ये ट्यून्ड बाय है हार्मन कार्डन से। अब स्पेशलिटी यहाँ पर ये कि ये स्पीकर्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, साइज छोटा लगता है लेकिन लिटरली काफी ज्यादा लाउड है। इसके साथ ही डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है यहाँ पे, और यहाँ पे AI बेस्ड नॉइज कैंसिलेशन का फीचर भी देखने को मिलता है, जहाँ पे आप मान लीजिए किसी से अगर बात कर रहे हैं तो 4 माइक्रोफोन है, जिसके अंदर 2 माइक्स का यूज जो बैकग्राउंड में जो नॉइज होती है ना उसको कैंसिल करने के लिए किया जाता है। और वहीं बात करें कनेक्टिविटी में, तो यार यहाँ पे पोर्ट्स की भी कमी नहीं है, यहाँ पर आपको 1 USB टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि USB 3.2 Gen 2 टाइप है, 2 USB Type-C पोर्ट है, ये थंडरबोल्ट 4 पोर्ट के साथ आते हैं, जिसका बेनिफिट ये कि आप यहाँ पे एक्सटर्नल मॉनिटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस अगर आपको एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी करना तो वो चीज भी यहाँ पे पॉसिबल है। इसके साथ ही यहाँ पे HDMI 2.1 का भी एक पोर्ट दे रखा है, और एक ऑडियो जैक भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इवन देखा जाए तो कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको Wi-Fi 7 का भी सपोर्ट है, अगर आपके पास Wi-Fi 7 का राउटर है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ये लैपटॉप Wi-Fi 6 और Wi-Fi 6E को भी सपोर्ट करता है, और 1 GB की जो स्पीड्स होती है वायरलेसली, इवन मोर देन 1 GBPS, वो भी इस लैपटॉप के साथ यहाँ पे अचीव
अचीव कर पाना पॉसिबल है। और अब फाइनली बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। हालांकि ASUS ने क्लेम किया कि यहाँ पे ASUS ZenBook S14 के अंदर आपको अप टू 27 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलेगी, लेकिन क्या वाकई में इतनी बड़ी बैटरी लाइफ मिलेगी? देखो 72 वाट आवर की जो बैटरी है ये काफी बड़ी होती है, और देखा जाए तो नॉर्मल यूज केस के अंदर अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो मेरे केस में 15-16 घंटे यहाँ पे चल जाता, जहाँ पे 100% से लेके 0% तक, जहाँ पे मैंने कुछ मूवीज भी देखी नेटफ्लिक्स पे, YouTube पे वीडियोस देखे, इस वीडियोस के लिए रिसर्च भी करी, स्क्रिप्टिंग भी करी और मल्टीपल छोटे मोटे काम करे, तो उस केस में 15-16 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल गया था, जो कि ऑलरेडी सरप्राइजिंग है। और हाँ, अगर आप 27 आवर्स का बैकअप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही आप इसको पावर सेविंग मोड में चलाइए, लाइट वेट तरीके से काम कीजिए, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखिए, जो कीबोर्ड का बैकलिट होता है वो ऑफ कीजिए, तो वो शायद आप 27 आवर्स तक यहाँ पे रीच कर सकते हैं, जो कि एक और इम्प्रेसिव यहाँ पे नंबर आता है। तो डेफिनेटली कई सारे लोगों की प्रायोरिटी रहती है एक ऐसा लैपटॉप लेने की जिसकी बैटरी बहुत लंबे समय से चले, तो ये उस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे फिट रहता है। और फाइनली अब इसके वेबकैम के बारे में बात कर सकता हूँ। ये ASUS AI Sense कैमरा के साथ आता है, जो कि फुल HD कैमरा है, ऑब्वियसली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन ये IR enabled कैमरा है जिसका यूज विंडोज हेलो के लिए किया जा सकता है, यानी कि फेस अनलॉक की जो टेक्नोलॉजी रहती है वो है यहाँ पे। इसके साथ ही 3D नॉइस रिडक्शन भी है यहाँ पे, यानी कि अगर आप लो लाइट में है तो जो एक्स्ट्रा नॉइस और ग्रेनीनेस आती है ना, उसको यहाँ पे हटा सकता है। तो ये यहाँ पे इस कैमरे का यहाँ पे काफी अच्छा फीचर है। और अब दोस्तों फाइनली यहाँ पे बात करते हैं ASUS ZenBook S14 के बारे में कि एग्जैक्टली में लैपटॉप यहाँ पे कैसा है। देखा जाए तो काफी अच्छा लैपटॉप है, काफी पावरफुल है, इंटेल के अल्ट्रा कोर 7 सीरीज 2 प्रोसेसर के साथ है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल भी प्लस एनर्जी एफिशिएंट भी है, और दोनों का एक अच्छा बैलेंस यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया है, और किसी भी थिन एंड लाइट लैपटॉप के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर हो जाता है यहाँ पे। इसके साथ ही जो बिल्ट इन NPU है ना, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और आने वाले समय में जब विंडोज को पायलट प्लस PC यहाँ पर आएंगे तब इसके अंदर आप बिल्ट इन AI enabled टास्क को अचीव कर पाएंगे। और बात करें तो जो लैपटॉप का जो सबसे क्लियर फीचर मैंने देखा वो है इसकी बैटरी लाइफ। इवन अगर 27 आवर्स क्लेम किया जा रहा है, लेकिन आपको 15-16 आवर्स 17 आवर्स भी अगर देखने को मिले एक लैपटॉप के अंदर, वो विंडोज लैपटॉप के लिए सुपर इंप्रेसिव होती है, क्योंकि आमतौर पे कुछ साल पहले तक विंडोज लैपटॉप हार्डली 10 आवर्स भी टच कर पाते थे। इसके साथ ही डिस्प्ले इसका मेरे को बहुत जबरदस्त लगा, ASUS Lumina OLED 3K डिस्प्ले काफी अच्छा है, क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, और एक OLED डिस्प्ले लैपटॉप के अंदर होना भी काफी इंप्रेसिव चीज है। और इवन बात करें जो पूरा पैकेज आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सिर्फ 1.2 किलोग्राम के अंदर, ये सीरियसली काफी इंप्रेसिव है, और आप देख सकते कि यहाँ पे कितना ज्यादा थिन है। तो डेफिनेटली अगर किसको थिन एंड लाइट चाहिए, गेमिंग नहीं करनी और प्योर परफॉर्मेंस के साथ साथ एक अच्छा बैटरी लाइफ चाहिए, तो हाँ ASUS ZenBook S14 OLED एक इंटरेस्टिंग चॉइस यहाँ पर बन सकता है। और देख के यहाँ पे काफी अच्छा लगा कि विंडोज लैपटॉप के अंदर भी काफी अच्छे किलर लैपटॉप्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो दोस्तों यार, ये है कहानी ASUS ZenBook S14 OLED लैपटॉप की। आप लोगों को लैपटॉप कैसा लगा बात जरूर से नीचे कमेंट बताइए, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बने रहने के लिए मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।